आइए आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेवा रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति लगी हूँ महाराष्ट्र में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। कभी दूर दूर से हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, थक जाते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर हमारे पास में आते हैं कि चलो भाई आखिरी का भी आपके पास में इलाज करें। फिर हमें भी जरा प्रेशर आता है कि चलो भाई आखिरी का इलाज बोल रहे हैं, इतने दूर से आया हुआ है, फिर हमको उसका इलाज करना है, अभी कैसा होगा क्या होगा। तो मैं ऐसे आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ कि जिसमें हमने हमारा पूरा क्लिनिकल ताकत, हमारे पूरा क्लिनिकल जो एक्यूमेन था, नॉलेज था, पूरा लगा के बहुत उसके ऊपर मेहनत करके पेशेंट को ठीक किया। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लगता है कि चलो ये इतने दिन आगे हमारे पास में रहे, हमारा जो हार्डवर्क था उसका फल हमको मिले। तो आइए उसके बारे में लेते हैं। आइए, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील खराटे आपके सामने एक पेशेंट आज जो ला रहा हूँ मैं, वो पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, घर वाले बहुत परेशान थे, इनको बार 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 दिल में ख्यालात आते थे, शक आता था कि अपना हस्बैंड जो है वो कहीं पे जाएगा, मुझे छोड़ के जाएगा, अकेलापन महसूस करते थे, एक मिनट के लिए भी हस्बैंड का हाथ ये नहीं छोड़ सकते थे, ऐसा पेशेंट था। कंटिन्यूस रोना था, घर के कुछ भी काम धंधे करते नहीं थे, कंटिन्यूस उनके दिमाग में यही सोच रहती थी कि मेरा पति मुझे छोड़ के जाएगा, मेरा पति मेरे पास में नहीं रहेगा, वो कहीं तो भी छोड़ के जाएगा, उन्हें कोई मारेगा। अच्छा, यही बात नहीं, इनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे क्योंकि बच्चों को कोई मारेगा ऐसा उनको लगता था, मेरे पति को कोई मारेगा, पति मुझे छोड़ के जाएगा। इनमें अनसिक्योर फीलिंग थी, खुद को अकेलापन महसूस करते थे ये, और इनको ऐसा लगता था कि मैं अभी अकेली पड़ गई हूँ। शक आता था, डर लगता था, घबराहट होती थी, कंटिन्यूस रोना था, रात दिन रोना था, कुछ भी कारण नहीं था, थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ तो रोने लगते थे, इतनी तकलीफ ये सहते थे। अभी इनके हस्बैंड अपने साथ है, उनसे बात करते हैं अपन कि कैसा उनको लगता था और क्या फील कर रहे थे। और एक तो कैसा है कि हमारे जो पेशेंट रहते हैं, पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं रहती। मेंटल इलनेस में क्या होता है कि पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं रहती है, तकलीफ रहती है घर वालों को, घर वाले परेशान रहते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मुझे क्यों लाया है यहाँ पे, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो अच्छी हूँ एकदम, मेरे को पागल समझ रहे हैं लोग, मेरे दिमाग में कुछ असर हुआ है ऐसा समझ रही है। लेकिन अंदर से केमिकल का लोचा रहता है, डोपामाइन सेरोटोनिन की लेवल इनकी कम ज़्यादा होती है, अनबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तब ये बीमारियाँ उनको होती है। और देखिए अभी मैं इनके साथ में बात करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आए हो आप? हम मालेगांव से। मालेगांव से आए हैं, और कितने दिन से तकलीफ सह रहे थे आप? दो महीने से। दो महीने से क्या तकलीफ थी, मैं जान सकता हूँ? हाँ, ये तकलीफ थी कि वो घर पर उसका मन नहीं लगता था। अच्छा, हाँ, ओके। और वो ऐसा करती थी, मुझ पर सेक लेती थी। अच्छा, बच्चे पर। हाँ। क्योंकि बच्चे बाहर गए तो उनको कोई मारेगा, कोई ये करेगा, वो करेगा। अच्छा, हाँ, हाँ। मेरे पति भी जाते तो उनको भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा रहता था दो महीने से। जब आपने हॉस्पिटल में भर्ती किया तब उसको कुछ भी याद नहीं आता था। अच्छा, हाँ। तो अभी 10 दिन हो गए। हाँ। तो अभी पहले जैसा पेशेंट हो गया। हाँ। 10 दिन में आपको कैसा लगा हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि ये पेशेंट था ना हमारा, वो कहाँ पर भी ले जाए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे यहाँ आया तो 10 दिन में पहले जैसा हो गया। देखो, पहले दिन जब ये आए थे मेरे पास में, तब इनका एक ही बात चल रही थी कि डॉक्टर साहब आराम पड़ेल ना, डॉक्टर साहब आराम पड़ेल ना, मैं तना गारंटी दे रही थी। मैंने उनको गारंटी दिया था कि आपका पेशेंट 6 दिन होने के बाद में मेरे से कांटेक्ट करना। अभी आज 10 दिन हो गए, उन्हीं की जबानी में सुनिए कि उनके पेशेंट को अभी कैसा लग रहा है। अभी कैसा लग रहा है? अभी पेशेंट पहले जैसा हो गया। और आप पेशेंट बोल रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो बोल रहा पेशेंट कि आप घर चलो, बच्चे की याद आ रही। अच्छा, हाँ, अपने घर की याद आ रही। अभी अच्छा। अभी यहाँ पे मन नहीं लग रहा, अब घर जाने को कह रहे। अब घर जाने को कर रही है, एकदम खुश है। जब पेशेंट चेहरा दिखाने के लिए आपको ना बोल रहा है, इसलिए मैं आपको पेशेंट का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये जो लोग है ये एकदम खुश है। 10 दिनों में उनका जीवन सुखी हो गया है। ये भी सर्विस करते है और वो गृहिणी है, तो अभी वो भी अच्छा काम करेंगे और ये भी इनकी ड्यूटी अच्छी करेंगे। तो ऐसा अगर पेशेंट आपके पास में है, आजू बाजू में है, तो उनके जीवन में आप खुशहाली ला सकते हो। आप सिर्फ देखते मत रहो, ये सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपके सामने आपके आजू बाजू में कोई ऐसा पेशेंट दिखता है तो उसे हमारे पास में ले जाओ और 10 दिन में 12 दिन में उसको अच्छा करके लेके जाओ। नमस्ते। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।